और इसके ज्यादा फजाइल व फवायद का ताल्लुक है कि अगर कोई ऐसी मुश्किल आ गई कि जिससे निकलने की कोई राह नजर नहीं आ रही, उसके लिए इसमें जबरदस्त तासीर है कि अगर रोजाना इसकी तिलावत करता रहे तो अल्लाह तबारक व ताला चंद दिनों में उसको उस मुसीबत से छुटकारा दे देते हैं। जी एक ये फायदा है। और दूसरा इसका फायदा ये कि आमतौर पर इंसान जो मुख्तलिफ दफ्तरों में ऑफिस में काम करता है, कुलीग्स तंग करते हैं या बॉस बड़ा अखड़ दिमाग है, परेशान करता जी, है, जी, तो उसके लिए बड़ी तासीर है कि इसको अगर रोजाना तिलावत करके और दुआ करके जाया करे तो उसका बॉस जो नरम दिल हो जाएगा और उसके कुलीग उसको तंग नहीं करेंगे। जी, और तीसरा फायदा है कि अगर मियाँ जो अखड़ दिमाग है जी, और जो कि होते हैं अक्सर, जी, तो मियाँ अखड़ दिमाग है, बीवी परेशान, जी, और खासतौर हरी मशरी की बीवियां हो तो बेचारी किसको शिकायत करें। जी, जी, तो अगर अखड़ दिमाग मियाँ है तो सूरह तौबा पढ़ के पानी दम करके अगर उसको पिलाएं या उसके खाने पीने में फूंक दें, जी, मियाँ बिल्कुल मोम की तरह हो जाएगा। अब आप देखिए कि हमारे पास ये सवाल कितना आता है कितना आता है, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आज भी ये सवाल आएगा आएगा बिल्कुल कि हस्बैंड जो है वो ठीक ठीक नहीं है या उनका नहीं है बिहेवियर ठीक नहीं है, बिल्कुल। तो ये एक हल है। हल है कि क्योंकि इसको आप पढ़े उसके मजामी इतने जानदार हैं, जी ऐसे जो रोबदार मजामीन है जी कि दिल दहल जाए, ऐसी सूर तौबा के मजामीन है, अच्छा तो वो पढ़ के आप पिलाएं मियाँ बिल्कुल काम डाउन हो जाएगा। और एक इसका लिखा है कि अगर किसी हाकिम वक्त के पास पेशी है, अदालत में मुकदमा है और बहुत खौफ और डर है, जी तो 11 मरतबा जी इसकी तिलावत करके, इसका खत्म करके अकेला पढ़ लें या चंद लोग मिलकर पढ़ लें जी और ये पढ़ के जाएं, तो अल्लाह तबारक व ताला उसमें भरपूर जी कामयाबी अता फरमा जी देते हैं। जी तो ये इसके बजाय फवायद हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जी और जहां तक ख्वाब की ताबीर का ताल्लुक है जी कि लिखा है कि अगर ख्वाब में ये तिलावत करके देखा जी या कुछ उसकी आयात तिलावत की या सुना, जी तो उसकी बड़ी जबरदस्त ताबीर है कि अल्लाह तबारक व ताला इसको वो मकाम अता करेंगे कि लोग इससे मोहब्बत करेंगे, ये लोगों से मोहब्बत करेगा और अल्लाह तबारक व ताला लोगों की क़यादत इसको अता फरमाएंगे। अच्छा हाँ, और एक ताबीर इसकी ये लिखी है कि जो सूरह तौबा अगर सुनी पड़ी तो उसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व ताला इसको निफाक से बरी कर देंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल रोजे क़यामत में गवाह हो जाएंगे इसके जी लिए कि ये आदमी निफाक से बरी है, ये मुनाफिक नहीं है, ये जी सच्चा मुखलिस मुसलमान है, जी तो नबी गोया के गवाह बन जाएंगे इस पर। तो ये ख्वाब की इसकी ताबीर है कि वाह, जिसके मुताबिक बरकत मिलती है। तो हमारी तब ख्वाहिश ये है कि ये सूरह हमारी ख्वाब में आ ख्वाब में भी आए बिल्कुल, जाए ताकि वो फजाइल हासिल हो। वाह वाह।